प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नई बहाली को लेकर। यहां पे बताया जा रहा है कि राज्य में न्याय मित्र कचहरी सचिव के 3630 पदों पर 2 माह में बहाली, मैंने 2 महीने के अंदर जो है आपकी बहाली जो है देखने को मिलेगा। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो है दिया गया है। बताया जा रहा है राज्य भर में 8056 ग्राम कचहरी में 5826 पद पर ही न्याय मित्र हैं कार्यरत, बाकी 3630 पदों पर जो बहाली है न्याय मित्र और कचहरी सचिव का, वो 2 महीने के अंदर करवाने की बात कही जा रही है। बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को सुचारू बनाए रखने के लिए कचहरी सचिव और न्याय मित्रों की खाली पदों को भरा जाएगा। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों, जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो 2230 पद रिक्त हैं, जबकि कचहरी सचिव के 6656 पद भरे हुए हैं और 1400 पद खाली हैं, दोनों खाली पदों को 2 महीने के भीतर भरने को कहा गया है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्याय मित्र का संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना है। जिन पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, वहां न्याय मित्रों का पद समाप्त हो जाएगा, लेकिन बाकी ग्राम पंचायतों में न्याय मित्रों की बहाली की जानी है। क्योंकि ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के पद खाली होने से संबंधित ग्राम कचहरी की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए ऐसे पंचायतों में 60 दिनों के भीतर बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली 2007 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस करते हुए नियोजन किया जाए। रोस्टर क्लियरेंस जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अभियान चलाकर संबंधित ग्राम कचहरी की नियोजन समिति द्वारा नियोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। विभाग ने इन पत्र को आवश्यक समझते हुए कार्रवाई करने को कहा है। ये यहाँ पे जो है बात किया गया है। और जो न्याय मित्र को मान्यदेय होगा, सैलरी जो होगा 7000 यहाँ पे दिया जाएगा, ये यहाँ पे बात किया जा रहा है। पंचायतों को 6570 लेखपाल सह IT सहायक अक्टूबर तक मिलेंगे, ये यहाँ पे बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि राज्य के पंचायतों के कामकाज तेज़ी से निपटाए जाएंगे, इसके लिए अक्टूबर तक पंचायतों में 6570 लेखपाल सह IT सहायक नियुक्ति हो जाएंगे। एजेंसी के माध्यम से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में अकाउंटेंट से जुड़े सवाल होंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। कुल पदों में पुरुष की संख्या 4270 पद है, जबकि महिलाओं को 2300 पद है। शैक्षणिक योग्यता BCom या MCom या CA इंटर वाले जो है 73952 अभ्यर्थियों ने 9 जून अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन दिया है। परीक्षा ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाएगी। आवेदन और परीक्षा से जुड़ी जानकारी जो है यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। ये अपडेट यहाँ पे दिया गया है। और संशोधन SSC GD कांस्टेबल परीक्षा में 20,000 रिक्तियाँ बढ़ी, ये भी जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया है। 20,000 से ज़्यादा पदों को रिजल्ट आने के पहले ही जोड़ दिया है।
इससे एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को जो है फ़ायदा होगा, ये यहाँ पे जो है अपडेट आपका दिया गया है। तो इस तरीके से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो अगर आप कंपटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है यहाँ पे। बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।